नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सुखाड़िया, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे रोलिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। रोलिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी बिलेट या ब्लूम की थिकनेस को रोलर्स के द्वारा कम किया जाता है, और ये रोलर्स सक्सेसिव रोलर्स हो सकते हैं आगे से आगे, जिसमें थिकनेस कम की जाती है। ये जो थिकनेस कम की जाती है वह रोलिंग मिल्स की सहायता से की जाती है। रोलिंग मिल्स कई तरह की हो सकती है, टू हाई रोलिंग मिल, थ्री हाई रोलिंग मिल, टू हाई रिवर्स रोलिंग मिल, फोर हाई रोलिंग मिल, मल्टी रोलिंग मिल, यूनिवर्सल रोलिंग मिल, प्लेनेटरी रोलिंग मिल। सबसे पहले टू हाई रोलिंग मिल, इसमें टू रोल्स होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और जो मटेरियल होता है वो इस रोल द्वारा पास किया जाता है और वो थिकनेस कम होकर आउटपुट में हमें मिलता है। थ्री हाई रोलिंग मिल में तीन रोल होते हैं, अपर एंड लोअर रोल आर ड्राइव रोलर्स, और मिडल रोल जो होता है वो बाय फ्रिक्शन रोटेट करता है। इस रोलिंग के द्वारा स्पेस यूटिलाइजेशन किया जाता है। टू हाई रिवर्सिबल रोलिंग मिल्स मतलब इसमें जो रोलर होते हैं वो दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे मटेरियल की जो थिकनेस है वो कम की जाती है। फोर हाई रोलिंग मिल, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें चार रोलर होते हैं जिसमें मेन रोलर के पीछे बैकअप रोल होते हैं जो सिस्टम को मजबूती देते हैं और रोलिंग इफेक्टिवली करते हैं। क्लस्टर रोलिंग मिल, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर हाई रोलिंग मिल इन विच ईच ऑफ द टू वर्किंग रोल्स आर बैकअप बाय टू मोर रोल्स टू बैकअप। इट मे बी नेसेसरी टू एम्प्लॉय वर्क रोल ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर बट ऑफ ए कंसिडरेबल लेंथ। इन सच केसेस एडिक्वेट ऑफ द वर्किंग रोल्स कैन बी ऑपरेट बाय यूजिंग ए क्लस्टर मिल। यानी इस क्लस्टर मिल में हम मेन रोलर के पीछे दो बैकअप रोल होते हैं हर रोलर के पीछे। टैंडम रोलिंग मिल में, इसमें इट इज़ ए सेट ऑफ टू और थ्री स्टैंड्स ऑफ रोल सेट इन पैरेलल अलाइनमेंट, मतलब पैरेलल अलाइनमेंट में जो रोलर होते हैं वो आगे से आगे होते हैं, इसमें थिकनेस आगे से आगे कम होती जाती है कई स्टेप्स में। यूनिवर्सल रोलिंग मिल में, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रोलर होते हैं जो पर्टिकुलर सेक्शन को रोल करने में काम आते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रखा है। प्लेनेटरी रोलिंग मिल, इस प्लेनेटरी रोलिंग मिल में जैसे दिखा रखा है फीड रोलर होते हैं जो मटेरियल फीड करते हैं, फिर इसमें छोटे छोटे प्लेनेटरी रोल होते हैं और उनकी सहायता से रोलिंग प्रोसेस किया जाता है और फाइनली आउटपुट में हमें रोलिंग का आउटपुट मिलता है। तो ये थे कई तरह के रोलिंग मिल्स। थैंक यू।